उस लंबी प्रेम कविता को पढ़ने के बाद मैंने किताब बंद कर दी और पूछा, बत्तखी कहाँ है? मुझे आश्चर्य हुआ, दूर दूर तक वे कहीं नहीं थी। यह कविता की तीसरी पंक्ति थी या शायद पांचवी, जहां मुझे पहली बार लगा था यहां बत्तखें हो सकती हैं। मैंने उनके डैनों की छप छप सुनी थी, यह मेरा भ्रम भी हो सकता है। वह स्त्री न जाने कितनी देर से कविता की 12वीं पंक्ति में खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। उसे कहां जाना है? कविता इसके बारे में बिल्कुल चुप थी। सिर्फ एक हल्की सी धूप स्त्री के कंधों पर पड़ रही थी, कविता की 17वीं पंक्ति से छनकर। स्त्री खुश थी, कम से कम उसके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था कि कविता की 21वीं पंक्ति तक जाते जाते वह अचानक गायब हो जाएगी, जैसे हर स्त्री हो जाती है। जहां अगली पंक्ति शुरू होती थी, शाखों के पेड़ वहीं खड़े थे। पेड़ कविता में एक अजीब सी दहशत पैदा कर रहे थे। हर अगली पंक्ति एक गहरी आशंका थी हर अगली पंक्ति के बारे में। अगर मैं भूलता नहीं तो यह कविता की 19वीं पंक्ति थी, जहां स्त्री आलू चीर रही थी। गोल और भूरे आलू चीरे जा रहे थे कविता के अंदर, और कविता ज्यादा चुप, ज्यादा ठोस होती जा रही थी। मेरा ख्याल है यह कटती हुई सब्जी की खुशबू थी जो स्त्री को बचाए हुए थी अगली अनेक पंक्तियों तक। 22वीं तक जाते जाते मुझे लगा कविता अपनी जगह बदल रही है। एक तेज गोली की तरह स्त्री के कंधों से होती हुई शाखों के पेड़ों की ओर चली गई थी कविता। उसके आगे कोई पंक्ति नहीं थी, कोई शब्द नहीं था कविता में। उसके आगे सिर्फ स्त्री थी, सिर्फ उसके कंधे, उसकी पीठ, उसकी आवाज। सिर्फ स्त्री थी जो पूरी की पूरी अब कविता के बाहर खड़ी थी और कविता को ध्वस्त कर रही थी।